व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड या इंपोर्ट प्रीसेट इन लाइटरूम। अगर आपको भी XMP प्रीसेट लाइटरूम में ऐड करना नहीं आते तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि आप अपने प्रीसेट लाइटरूम में ऐड कैसे कर सकते हैं। तो चलते आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो प्रीसेट की जिप फाइल आपने किसी जगह से डाउनलोड की होगी या किसी ने आपको व्हाट्सएप पर सेंड की होगी, तो आपने वो फोल्डर ढूंढ लेना जिधर भी आपको किसी ने सेंड की या डाउनलोड की है। आपने जिप फाइल को पहले आप एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर ही लाइटरूम में प्रीसेट आप ऐड कर सकोगे। तो आपको डाउनलोड में किसी ने सेंड की होगी तो डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगी आपके पास। तो अगर आपने किसी ने आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया है तो व्हाट्सएप पर के फोल्डर में आपको जिप फाइल मिल जाएगी। तो जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे फिर ही प्रीसेट आप लाइटरूम में ऐड कर सकोगे। तो मैंने डाउनलोड के फोल्डर में प्रीसेट की जिप फाइल मैंने डाउनलोड की है, तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन मैंने जिप फाइल रखी है, तो इधर जिप फाइल पड़ी है। तो ये प्रीसेट की एक जिप फाइल है, ठीक है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करूंगा तो जिप फाइल मेरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा। तो अगर आपको प्रीसेट किसी ने सेंड किया है या डाउनलोड किया है उस पर आपको पासवर्ड लगा है तो एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करोगे तो जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड लगाओगे तो फिर आपकी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। अगर जिप फाइल को पासवर्ड नहीं लगा तो सिंपली जैसे ही मेरी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होगी वैसे ही आपकी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो सिंपली हमारी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। तो अगला प्रोसेस है हमने लाइटरूम में प्रीसेट ऐड करने है, हाउ टू ऐड लाइटरूम प्रीसेट, वीडियो का टॉपिक भी हमारा यही है। तो लाइटरूम में आ गया हूं, तो इधर आपने सिंपली कोई भी पिक्चर आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद ये एक पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो करने के बाद आपने प्रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे प्रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इधर से आपने यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इधर देख सकते हो कोई प्रीसेट पहले मेरे ऐड नहीं है, ये मतलब लाइटरूम वालों के पहले ये कलर वगैरह ऐसे कोई प्रीसेट पड़े। तो इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इम्पोर्ट प्रीसेट पर आपने क्लिक कर लेना। तो करने के बाद ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अपने इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है, तो इधर वो फोल्डर आपने ढूंढ लेना है जिधर आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। अगर वो डाउनलोड है डाउनलोड आपने ओपन कर लेना, अगर आपका व्हाट्सएप फोल्डर है आपने व्हाट्सएप ओपन कर लेनी है, जो भी फोल्डर है ओपन कर लेना। तो ये मेरा फोल्डर था, तो इधर मैंने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट की थी जिप फाइल, तो ऐसा फोल्डर बन गया था। तो एक प्रीसेट पर होल्ड करके सिलेक्ट ऑल कर लूंगा, तो इसके बाद प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक कर लूंगा तो प्रीसेट मेरे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर देख रहे हैं इंपोर्ट प्रीसेट ऐड होना स्टार्ट हो गए मेरे प्रीसेट। तो ये 24 प्रीसेट इंपोर्ट हो गए हैं, तो यूजर प्रीसेट में हमारे प्रीसेट आ गए हैं। तो आपके भी यूजर प्रीसेट में आ जाएंगे या कोई इधर ज्यादा फोल्डर होगा उसमें आ जाएंगे। तो यही प्रीसेट की जिप फाइल आपको पहले मैंने एक्सट्रैक्ट करने का तरीकाकार बताया है, तो यही प्रीसेट बाद में ऐड करने का तरीकाकार भी बता दिया है। तो आई होप कि आज का तरीकाकार आपको लाइटरूम में प्रीसेट ऐड करने का तरीकाकार समझ आ गया होगा। तो इस तरह ही आपने पहले जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद प्रीसेट को जिप फाइल जो फोल्डर बन जाएगा तो उसको आपने ऐसे ऐड कर देना है। तो अगर आपकी मतलब कि जिप फाइल नहीं है वैसे प्रीसेट है जैसे मेरे वो फोल्डर में थे, तो आप सिंपली लाइटरूम में आकर जैसे मैंने प्रीसेट का तरीकाकार बताया वैसे आप ऐड कर सकते हो। तो आपने यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं इस चैनल पर आपके लिए प्रीसेट लेकर आता रहता हूँ, तो डेली मैं प्रीसेट की वीडियो अपलोड करता हूँ। उन प्रीसेट की वीडियो को देखकर तो डेली न्यू HD प्रीसेट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।